रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा का 19वां पद ग्रहण समारोह का आयोजन सिग्रा स्थित होटल कॉस्टिलो में संपन्न हुआ, जिसमें नव निर्वाचित अध्यक्ष आलोक अरुणा को पदभार सौंपा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि रोटरी क्लब अपने प्रयासों से पीड़ित मानव की सेवा में अनेक कार्य कर रही है, जो प्रशंसनीय है। इस अवसर पर नए पदाधिकारियों का परिचय कराने के साथ ही 5 नए लोगों को क्लब की सदस्यता प्रदान की गई। सम्मानित हमारे जो पिछले वर्ष यानी हमारा जो रोटरी का सत्र होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का होता है। जो 21-22 के हमारे जितने भी मेंबर थे जिन्होंने वर्ष पर्यंत उस वर्ष में काम किया, कोविड से लेके सारे अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए जितने भी कार्य किए उन सभी सदस्यों का जो है सम्मान किया गया। लगभग 50 सदस्य हमारे जो रोटरी में है, हमारे क्लब में है, उनका जो है सम्मान किया गया। रोटरी क्लब हमारे देखिए स्वास्थ्य में है, हम लोग मेडिकल से जितना भी स्वास्थ्य शिविर वगैरह होता है, ब्लड डोनेशन कैंप हमारा मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण को लेके हम लोग वर्ष पर्यंत पेड़ वगैरह लगाते ही हैं, प्लस जल संरक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय जो भी कोविड 2019 से जैसे कोविड-19 जैसे जब से लगा तब से वर्ष पर्यंत आज तक हम लोग जो है इस क्षेत्र में बराबर मेडिकल से लेके और जितना भी फूड उस समय जो प्रोवाइड करना था रोटरी की तरफ से किया गया, उसके लिए हम लोग जैसे हम लोग के स्कूल जो हम लोग ने अडॉप्ट किए हैं या जो हमारे संस्था के सदस्यों के स्कूल हैं वहाँ पे हम लोग पेड़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। और उसमें हर बच्चों को जैसे कोई भी पेड़ लगाया उस बच्चों को हम लोग डिप्यूट कर देते हैं कि ये देखो तुम्हारे नाम से पेड़ लगा, इसकी देखभाल तुमको ही करनी है। उससे क्या है कि हमारे जो भी हमारे संस्था के बच्चों के स्कूल या सदस्यों के स्कूल हैं उसमें आप जाके देखेंगे तो पेड़ और उस पर्टिकुलर उस बच्चे के नाम से पेड़ रहते हैं जो कि वो जो है वर्ष पर्यंत वो देखते रहते हैं बच्चे, और बच्चे खुद सिर्फ अपने पेड़ को देख के इतना खुश होते हैं कि आप उसको बयां नहीं कर सकते। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।